अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल गाइड प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीएमवेयर, जो कि वीएमवेयर, एक तो नॉर्मली आपने वीएमवेयर देखा होगा जो विंडोज के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ये जो वीएमवेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसको किसी भी आप कंप्यूटर के अंदर जिस तरह विंडो इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है और वो कंप्यूटर डायरेक्टली वीएमवेयर बन जाता है। उसके अंदर विंडो नहीं होती, डायरेक्टली वीएमवेयर इंस्टॉल होता है। इसको ESXi बोला जाता है। बेसिकली ऐसा करने का मकसद यही होता है कि जब आप किसी विंडो के अंदर रह के आप वीएमवेयर को चलाते हैं, किसी भी वर्चुअल मशीन को चलाते हैं, तो उसमें जो विंडोज है ना, वो एक किस्म का एक सबसे बड़ा हर्डल समझा जाता है, क्योंकि आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम चला रहे होते हैं और पीछे विंडोज होता है, और विंडोज जो है उसके प्रोसेसिंग स्लो होती है, और जब नेटवर्क का लोड होता है तो विंडो उसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए जरूरी है कि हम विंडो को निकाल दें, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ वीएमवेयर डालें और फिर उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाएं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको कंप्लीट इसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज कैसे करनी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ ESXi कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वक्त ज्यादा किए बगैर चलते हैं। सबसे पहले हम बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर मैं दिखा देता हूँ कौन सा है। रूफस के नाम से है, रूफस। ये मैं डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज का। बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफस खोल लेंगे, ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है, इंस्टॉल नहीं होगा, पोर्टेबल है ये। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अभी हम यूएसबी अटैच करेंगे। यूएसबी अटैच किया, देखिए यूएसबी शो होना शुरू हो गया 16 GB की। अब हम इसको बाकी की सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, बस हम यहाँ से जाएंगे, ये सिलेक्ट एन इमेज फ्री डॉस, यहाँ से हम जहाँ पे हमारे पास ISO पड़े हुए वहां जाएंगे। ये देखे ESXi, मेरे पास ISO पड़ा। मजीद आगे चलने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आपको मिल जाए और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर किसी को कोई मजीद और चीज भी चाहिए जिसकी वीडियो मैंने ना बनाई हो, मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको आगाह कर दूंगा कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, जो भी आप मुझसे पूछेंगे। चलें आप मजीद आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये आप देख लीजिएगा कि ये आपकी यूएसबी जो है ये इतनी ही है। अब जैसे 16 GB शो हो रही है, तो मेरी 16 GB यूएसबी मैंने लगाई है, तो इसलिए 16 शो हो रही है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये जो मैसेज आप इसको नो कर दें, ठीक है। इसके बाद वार्निंग देगा कि तमाम डाटा जो आपकी यूएसबी में अवेलेबल है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, तो आप इसको ओके करें ताकि वो रिमूव हो जाए सारा और नया इसके अंदर इमेज बन जाए। स्टार्ट हो चुका है, फॉर्मेट कर रहा है। अब इसके बाद इसमें जो इमेज हमने इसको दिया है ISO, वो इमेज इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। ये बूटेबल यूएसबी बन जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम पीसी के साथ लगा के किस तरह हम ESXi वीएमवेयर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि बस ये कंप्लीट होने पे है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, बस अभी इंस्टॉल हो जाएगा, बस यूएसबी में, इतने ज्यादा टाइम नहीं लेता ये। सो व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे डन का मैसेज आ गया है, हमारा बूटेबल यूएसबी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर देंगे, अभी बंद करते हैं, अभी हम देखते हैं। ये देखें बूटेबल यूएसबी तैयार हो गई है। अभी हम चलते हैं दूसरे सिस्टम पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ESXi को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है।